हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज आप जानने वाले हैं टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड में ये जो बिजनेस है, ये बस आपको किसी को किसी के बारे में बता देना है, उसका पैसा मिलता है, उसका वैल्यू है। आप जिस एरिया में रहते हो, किसी भी एरिया में रहते हो, वहाँ पे आप पता करें कि कौन सा टूरिस्ट स्थल है जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग देखने आते हैं, छुट्टियों में समय बिताने आते हैं। तो इस तरह इसमें इस बिजनेस में यही काम करना है कि जहाँ जो प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है चाहे या कुछ और भी है, तो उसी के बारे में आपको बता देना है, नॉलेज लेना है, अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी नॉलेज है कि वहाँ पे क्या खा रहे हैं लोग, क्या रहन सहन है, फिर क्या ट्रेडिशन है यहाँ का, और साथ में यहाँ पे और कौन सा प्लेस घूमने लायक है, नॉलेज इतना ही करना है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी भी सही, हिंदी से भी आप काम चला लेंगे, क्योंकि अगर इंडिया के लोग जितने भी आते हैं आपके यहाँ तो हिंदी ही जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं पर हिंदी आपकी समझ लेते हैं। अगर इंग्लिश आती है तो फॉरेनर को भी आप गाइड कर सकते हैं, तो फॉरेनर को जो गाइड करेंगे उसका डबल चार्ज होता है। अगर इंडिया वाले 200 रुपये देते हैं तो फॉरेनर वाले 500 देंगे। तो इस तरह से इस बिजनेस में सेटल करना है। अब इसमें आप किसी तरह का नॉलेज, जो जिस प्लेस को आप बताने जा रहे हैं उसका पूरा नॉलेज लेके आप जाते हैं, तो अब उसको गाइड कर दिए, उसका पैसा मिल गया। अब इलीगल हुआ, इस तरह से आप काम करते हैं तो ये इलीगल है। अब इसका टूरिस्ट डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट निर्गत होता है। उस सर्टिफिकेट को कैसे निर्गत होता है इसके बारे में जान लें कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से और भी क्या क्वालिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे वहाँ पे, एप्लीकेशन भरेंगे एक, और उसके साथ एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अब उस सर्टिफिकेट पर आप लीगल हो जाएंगे, आपको कोई हटा नहीं सकता वहाँ से। तो इस तरह से आप चाहें तो बहुत बढ़िया काम इसमें करेंगे और अच्छा पैसा भी कमाएंगे। आप चाहें तो आगरा में ताजमहल का देख लें, वहाँ पे बहुत सारा गाइड रहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण इसी से करते हैं। साथ ही अब दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में ऐसा है। तो इस तरह से आप चाहें तो अपना सेटल करना चाहिए और करें, इसमें पैसा नहीं लग रहा है, बस दिमाग खर्च करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके एरिए में ये हिस्टोरिकल प्लेस है या नहीं है, ये तो आप ही जानेंगे, जो कि इस काम को करना है या इस काम के प्रति आपको जागरूकता है, इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह से काम किया जा सकता है। इसमें बस दिमाग चलाना है, पैसे कमाना है और कुछ नहीं करना है। आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल गया, लीगल हो गया, कोई हटा भी नहीं सकता, और साथ साथ कोई गाइड आया। अब जैसे 1000 आपने बताया कि भैया हम गाइड करने के लिए, या सर मैं गाइड करने के लिए 1000 लेता हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं हम 700 देंगे, 500 देंगे, जो भी वैल्यू फिक्स हो गई, आप उनको गाइड करेंगे, आपको वो पैसा दे देंगे। अब फॉरेनर आते हैं तो वो तो डबल चार्ज उनका लेना ही है, वो अगर इनसे 700 लिए तो उनसे 1500 भी ले सकते हैं, वो फॉरेनर हैं, उनकी चार्ज हर जगह ज़्यादा लगता है। आप भी कहीं अगर इंडिया को छोड़ के अगर कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लोगों से आपको चार्ज ज़्यादा पेट करना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बिजनेस करना चाहिए और इसमें बहुत कम पैसे लगना है, बस ब्रेन चलाना है, दिमाग से पैसा कमाना है। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।